नमस्कार, मेरा सभी किसान भाई और बहनों को, मैं किरण कुमारी, किसान पत्रकार, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से, मैं अखिल भारतीय किसान संघ कार्यकारिणी जिला हमीरपुर से महिला प्रमुख के रूप में जो है वो काम कर रही हूँ। आज मैं अपने हिमाचल में एक अपनी किसान बहन के पास आई हूँ, उनके घर पे, जिन्होंने अपने घर पे जो है वो जो काले अंगूर का पौधा होता है वो अपनी ज़मीन में जो है वो लगाया हुआ है। तो आइए अब हम उनके पास चलते हैं और उनसे जो उन्होंने काले अंगूर का पौधा जो लगाया है उसके बारे में जो है वो जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। हाँ जी, नमस्कार दीदी। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुषमा देवी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम जी तार के रहने वाले हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, ये जो आपने काले अंगूर का पौधा जो है वो अपनी ज़मीन में लगाया है, ये कब लगाया था? चलो पहले तो मैं पौधा दिखा देती हूँ, उसके बाद करते हैं बात, है ना? हाँ जी। ये देखिए शान भाई और बहनों, इन्होंने जो है वो अपनी ज़मीन में काले अंगूर का पौधा जो है वो लगाया हुआ है। ये देखिए आपके सामने, आइए तो अब इनसे पूछते हैं इस पौधे के बारे में। हाँ जी, ये जो आपने काले अंगूर का पौधा लगाया है, ये कब लगाया था? ये मैम हमने 3 साल पहले लगाया था। अच्छा, 3 साल पहले? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें आपने कोई केमिकल की दवाई वगैरह तो नहीं डाली हुई है? कैसे तैयार किया आपने इसको? नहीं मैम, हमने इसकी पौधा लाया और हमने केंचुआ खाद डालकर इसको लगा दिया। अच्छा, जैविक तरीके से तैयार किया इसको? अच्छा 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 3 साल बाद जो है इसने फल देना स्टार्ट कर दिए है ना? जी। हाँ ठीक है, आओ तो किसान भाइयों, मैं दिखाती हूँ इसके फल, काले अंगूर जो अब लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत ऊपर है, ये देखिए बिना केमिकल के, बिना दवाई के, जैविक तरीके से जो है वो इन्होंने काले अंगूर जो हैं वो अपने घर पे लगाए हुए हैं। ये देखिए, आप सब जानते हैं कि बाज़ार में जो है वो कितने महंगे मिलते हैं और इन्होंने जो है वो अपने घर पे ही तैयार किए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इस तरह जो है वो अपने घर पे अंगूर के पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।